गुरुदेव, आज करवा चौथ है। एक पत्नी और एक पति का प्रश्न है। पहले पत्नी प्रश्न पूछ रही है, गुरुदेव आज मैंने उपवास रखा है, हर साल रखती हूं और यही ख्याल बार बार आता है कि आज के दिन पतियों को व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए था। कम से कम एक दिन महिलाओं को खाना बनाने से छुट्टी मिलती। पति पूछ रहा है, गुरुदेव पत्नी आज के दिन उपवास तोड़ दे, खाना खा ले तो जिंदगी पत्नी पति की जिंदगी गई। कुछ भी ऐसा नहीं है कि पति करे तो पत्नी को छींक तक आ जाए। ये कैसी प्रथा है गुरुदेव? ये सब रूढ़ी से चला आ रहा है, एक मान्यता है। तो वो मानते तो करिए, अच्छा एक दिन खा भोजन नहीं करोगे तो क्या, मर तो नहीं जाओगे? कोई ना पति मरेगी ना पत्नी मर जाए, दोनों जने रखो उपवास, क्यों नहीं रखते? रखो, पत्नी खाना बनाए ना खाए और तुमको खिलाते रहे, वो भी थोड़ी ठीक है। बोले मैं भी रखता हूँ तेरे साथ उपवास। बहुत लोग करते हैं, बहुत पति भी कहते हैं कि चलो एक दिन छुट्टी देते हैं अपना लिवर को, अपना आयतों को, पेट को, उनको थोड़ा विश्राम करने देते हैं, कर लो क्या है, अच्छा है। मगर बिना पानी पिए हम उपवास रहेंगे, इसलिए ऐसे करने से पति का जीवन बढ़ जाएगा, पत्नी का जीवन बढ़ जाएगा, ये सब नहीं। उपवास रखते इसीलिए कि शरीर शुद्धि होते, शरीर की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं। जब शरीर शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन में प्रार्थना और अर्चना के लिए शुद्ध मन बड़ा सूक्त है। प्रार्थना अर्चना करने में फिर ऐसा जब उपवास रहते तो वो दत्त चित्त बन जाता है, एकाग्रता बनती है। इस कारण से कहा गया है नवरात्र हो या शिवरात्रि हो या करवा चौथ हो तो उपवास करो ताकि तुम्हारी प्रार्थना गहराई से आए, तुम्हारा ध्यान गहराई में उतरे, इसीलिए कहा। और ये भी शास्त्र में ये भी कहा है, यदि बालक है और बीमार है या बहुत वृद्ध है, इनके लिए वर्जित है उपवास। वृद्ध अबलाच बालका और रोगी, वृद्ध है बालक है या रोगी है, तुम्हें कोई बंदिश नहीं है, कोई बंदिश नहीं, कोई परहेज नहीं, कोई इस तरह का करना ही है ये नहीं है। अपना शरीर को सुनो, ये बोला गया शास्त्रों में। इसलिए ये मत सोचो, मान लो पत्नी पहले से बीमार चल रही है, अब अरे करवा चौथ रखना है, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें करवा चौथ रखने। फलाहार करो, कुछ तो खाओ, तुम्हारे लिए छूट है, एग्जेम्पशन है। इस शास्त्रों में भी में ही लिखा हुआ है सब, इसलिए घबराने नहीं, डरो नहीं, अच्छा है। सबका दीर्घायु की कामना करो, ये अच्छी बात।